श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
का हस्तानी निखंगणा ते खागम शास्त्र जने हुआ धनमानी तन्मसी। जल घुमाते और भगवान की मंगलमयी पुष्पांजलि करें। ओम हरि ओम मा जजेन जजमा जंत देवास्तानी धर्माणि प्रथमान्या शन्या ते हनागम महिमाना सदंत जदपूर्वेशाद्याः शक्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानिजा पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि। छोड़ के प्रणाम कर लें। सुमन सुगंधित सुमन ही सुमन सृष्टि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूं। हे गोविंद करो शुभिकार हे देव करो शुभिकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और आगे का कथाओं का रसास्वादन हमारे दीदी जी के मुखारविंदों से आप लोग श्रवण करें। नाथ समारंभा श्री रामानंदा जगत नियंता जगताधार परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय श्री बांकी बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोलेनाथ माँ भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दराज आस पास से आए हुए सभी कथा प्रेमी भक्त सती अनुसुईया सावित्री स्वरूपा माताएं बहने बाल गोपाल स्वरूप प्यारे प्यारे बच्चे सभी आचार्यगण सभी अतिथिगण
वह यजमानगण सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र भाई, वह जहाँ तक हमारी वाणी पहुँच रही है यूट्यूब के माध्यम से जितने भक्त भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को इस व्यास पीठ से सादर जय सियाराम। प्यार भरा राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके अपने जिह्वा को पवित्र करते हैं। हम सभी भक्त तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। Yeah.
कथा में हम सभी भक्तों ने बाबा भोलेनाथ माँ भगवती के पावन दिव्य विवाह का दर्शन किया। कल सभी भक्त भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए। देखिए संसार के विवाह में तो हम खूब सम्मिलित होते हैं, लेकिन एक बार संसार के मालिक के विवाह में भी सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य बनाइए। सांसारिक विवाह में तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं, लेकिन भगवान के विवाह में हमको समय नहीं मिलता है। भगवान का विवाह देखने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमको मौका मिले तो हम जल्दी ठाकुर जी का विवाह देखें। तो हम मनुष्य को भी चाहिए कि संसार के विवाह के साथ साथ संसार के मालिक के विवाह का भी खूब आनंद लेना चाहिए। कल हमारे भोले बाबा माँ भवानी का बड़ा दिव्य विवाह हुआ। विवाह के बाद सुबह विदाई का समय आया। देखिए विवाह तब तक अच्छा लगता है जब तक बिटिया की विदाई नहीं होती है, और तब तक कोई थकता भी नहीं है। एक दिन का दो दिन का काम इतना दौड़ा धूपी हो जाती कि पूछो ना, लेकिन थकावट किसी को नहीं आती है। और जैसे ही विदाई हो जाती है, जैसे ही बिटिया डोली में बैठती है कि जहां तहां लोग पड़ जाते हैं, लगता है अब थकावट कायदे से आई है। तो हमारी माँ भगवती के विदाई का समय आया। भोले बाबा हमारे हाथ जोड़ जोड़ कर विदाई मांगने लगे। अपने सास ससुर से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब हमको पिताश्री हमको अपने धाम को जाने की आज्ञा दें। हम आप जब विवाह में जाते हैं तो हाथ जोड़कर विदाई नहीं मांगते हैं, एकदम ताव दिखाकर विदाई मांगते हैं। जल्दी विदाई करो नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे भाई कोई अपनी बिटिया भेज रहा है, अपने कलेजे का टुकड़ा आज भेज रहा है। जिसके पास चाहे जितनी बेटियां हो, लेकिन कोई किसी को दान नहीं दे सकता है। लेकिन ये भगवान का ऐसा सृष्टि का नियम, भगवान ने गृहस्थ आश्रम बनाया कि छोटी सी बिटिया को पालो, बड़ा करो, दुलार करो, और जब एक लोटा पानी देने लायक हो जाती है तो दूसरों के घर भेजना पड़ता है। उस दिन माता पिता अपनी बेटी नहीं विदा करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को भेजते हैं। माताओं को तो सभी ने रोते हुए देखा होगा, लेकिन जल्दी कोई पिता को रोते हुए नहीं देखता है। लेकिन उस दिन पिता का अचला भीग जाता है, इतना रोते हैं जब बिटिया की विदाई होती है। आज जैसे ही हमारे शंकर भगवान बाबा बोले प्रभु अपने ससुर जी से कि हमको विदाई दीजिए, तो हमारी मैना रानी रोने लगी। पूरे हिमाचल नगरी के लोग आ गए और रोने लगे। पशु पक्षी जीव जंतु गाय माता भी जोरों से रोने लगी कि आज हमारी भवानी हमारी माँ चली जाएंगी क्या। बेटियां होती ही ऐसी हैं, जहां से जाती हैं वहां लगता है उजाड़ हो गया, और जहां पहुंचती हैं वहां पर चंचलता आ जाती है, आनंद आ जाता है। बहू जाती है तो गांव में कितना आनंद होता है, और जिसकी बिटिया जाती है तो लोग कितना दुखी होते हैं। जिनकी बिटिया है वो तो रोते ही हैं, जिनकी नहीं है उनके भी आज आंखों में आंसू नजर आते हैं। तो हमारी मैना रानी सुंदर शिक्षा देती हैं बेटियों को। अपनी बिटिया को कहती हैं कि अपने पति के रुख को देखकर काम करना, जहां पर आपके पति को अच्छा न लगे तो खड़ी भी मत होना। सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ऐसा कोई कार्य ना करना कि कोई उलाहना दे। अच्छा वो तो माँ भवानी है, लेकिन हमको आपको भी अपनी बेटियों को सुंदर शिक्षा देना चाहिए। वो अपने घर से अभी तक तो मायके में थी, अब ससुराल जा रही, उनको सुंदर शिक्षा देना चाहिए कि आपके जो सास ससुर हैं ना, अब वो आपके माता पिता हैं। आपके पति हैं ना, अब वो आपके जीवन के कर्णधार हैं। तो इसलिए कोई ऐसा अनुचित काम ना करना, मर्यादा में रहना। तो आज हमारी मैना रानी कहती हैं कि हे पार्वती,
कि करे हो सदा संग कर पद पूजा ओ नारी धर्म पति देव न दूजा नारी धर्म अपने पति को ही परमेश्वर समझ कर वो भाव में पूजन करे। भगवान का पूजा जब करे तो अपने पति का भी ध्यान करे। ये भी हमारे जीवन के परमेश्वर है। पत्नियां अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन पतियों को परमेश्वर नहीं बनना चाहिए, उनको इंसान ही बने रहना चाहिए। भगवान नहीं हो सकते, वो पत्नी का भाव है कि आपको परमेश्वर भाव में देख रही हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमको यदि वो भगवान की उपमा दे रही हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वारा भी इनको कोई कष्ट ना होने पाए। क्यों? क्योंकि भगवान की तरह मानती है। लेकिन पति परमेश्वर नहीं हो सकते, उनको परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। वो पत्नियों का भाव है कि वो परमेश्वर मानती है। और हमारी पार्वती मैया सभी नारियों से सहेलियों से मिलने लगती हैं। सब सहेलियां रोने लगती हैं, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो हमारी नगरी छोड़कर। राजा हिमांचल जी दहेज में दास दासियां घोड़ा हाथी हीरा मोती जवाहरात की लाइन लगा दिया कि ये सब ले जाइए। भोले बाबा ने सब मना कर दिया कि हमको आप अपनी बिटिया हमारे साथ भेजिए, हमारी धर्म पत्नी हो चुकी हैं और हमको ये दहेज नहीं चाहिए। और हम आप होते तो कह देते बिटिया बैठा लो, ये दहेज भेज दो, हम लेके चले जाएं, पहले गांव भर में दिखाएं। यही होता होता कि नहीं होता? आजकल भी हम लोग जब जाते हैं विवाह करने तो वहाँ लड़का वाले है ना, तो इतना ताव दिखाते हैं कि पूछो ना, बात बात पे अकड़ते हैं। आपने ये कहा था नहीं दिया, आपने वो कहा था नहीं दिया। अरे जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया उसके लिए ये लोहा स्टील पीतल क्या मायने रखता है? अगर कोई दे भी देगा तो अपनी बिटिया को देगा, बिटिया प्रयोग करेगी अथवा दामाद करेगा। हमको आपको तो छूने को भी नहीं मिलेगा और दहेज के लिए हम ही आप बीच में उखड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। सावधान, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को भेज दिया है उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता। अपने औकात से ज्यादा पिता देता है। कोई पिता नहीं चाहता है कि हम अपनी बिटिया को क्या से क्या ना दे दें, फिर भी लेने वालों का पेट ही नहीं भरता है। हे भगवान, अरे अपनी कमाई में विश्वास रखो। कोई दे भी देगा तो कितने दिन यूज किया जाएगा? किसी ने दे भी दिया यदि कूलर पंखा, खराब तो होगा ही ना, कितने दिन यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। चिंता दहेज की कभी नहीं करना चाहिए, चिंता एक रोटी की करना चाहिए कि बहू आकर के हमको एक समय से रोटी दे दे, यही सबसे बड़ा दहेज है। लेकिन कोई रोटी की चिंता ही नहीं करता है। अरे भैया कोई दे भी दिया ये लकड़ी लोहा तंबर, तो क्या हम वही खा लेंगे? हमको तो रोटी चाहिए। और जो ज्यादा धन संपत्ति लेके आती है ना, वो कुछ करती भी नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आपने बिल्कुल सौदा किया था हमारे पिताजी से कि एक कटोरी दहेज में कम नहीं होना चाहिए, तो मेरे पिताजी ने एक कटोरी तो कम नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी दहेज मांगना नहीं चाहिए। दहेज लेना गलत नहीं है, जितना दिया जा रहा है सब लाद के ले जाओ, लेकिन दहेज मांगना निहायत गलत है, ये आप लोग विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए। कभी नहीं मांगना चाहिए। अब बहू बेचारी घर में गई, अब उसको भी घर में सुनाया जा रहा है तुम्हारे पिताजी ने एक बाल्टी कहा था तो नहीं आई। दहेज मांगना भी है तो शादी से पहले जितनी चर्चा है कर लीजिए, जैसे ही बहू घर में आ जाए पूरी चर्चा बंद कर दीजिए। आपके पिताजी ने इतना दिया कि आनंद आ गया, चाहे वो कुछ न दिया हो, क्योंकि अब विवाह तो हो ही गया, अब अपनी रोटी पे संकट ला रहे हैं, बस
बाकी तो मिलने मिलने वाला है नहीं, उनको जो देना था विवाह में दे गए, अब कोई कुछ नहीं देगा। इसीलिए संतोषम परम सुखम, संतोष में परम सुख है, संतोष हर व्यक्ति को रखना चाहिए। छोटी छोटी बात पे क्रोध करना, छोटी छोटी बात पे लाल पीले नीले हो जाना, ये क्या है भैया? अरे जब क्रोध होता है ना तो अपना चेहरा देखो किसी चांडाल से कम नहीं नजर आता है, और अगर आप खुश रहते हो तो आपका चेहरा इतना अच्छा लगेगा कि बार बार शीशा में चेहरा देखोगे, जितनी बार देखोगे उतनी ही बार अच्छा लगेगा। और क्रोध में कभी शीशा देखो कैसा लगता है, लगता है कहां से हम चंडाल हो गए। क्रोध पाप का जड़ होता है, ज्यादा क्रोधी इंसान कुछ नहीं अपने जीवन में कर पाते, भगवान को भी खुश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पूजा करने बैठ जाएंगे तो बात बात पे गुस्सा करेंगे। इसीलिए कभी कभी मानसिक पूजा भी कर लेना चाहिए। मानसिक मतलब हाथ जोड़ के बैठ जाओ और मन ही मन सब भगवान की पूजा कर लो। नहीं तो हम पूजा करने बैठे और सामने वाले से कहते फूल ले आओ, अब वो फूल नहीं लाया, अब उसके ऊपर क्रोध। किसी से कह रहे भोग ले आओ, भोग में थोड़ा विलंब लगा दिया, उस पे चेहरा लाल, तो ये पूजा है? ये पूजा कहां से हुआ? इसमें तो सब अनर्थ हो रहा। इसीलिए जितना मिले उतने में संतोष करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। छोटी सी जिंदगी है, बड़े बड़े राजा महाराजा करोड़पति अरबों खरबों वाले इस पृथ्वी से चले गए, तो हम आप कौन सा करोड़ों वर्ष के लिए आए हैं? जाना तो है ही है ना, तो छोटी सी जिंदगी में खुश रहा जाए। पहले के दादा लोग 100 वर्ष जीने का उनका होता भी था कि चलो ये 100 साल जी जाएंगे। आजकल हमारी आपकी आयु 40-45 में ही इतनी बीमारियां, इतने रोग, पूछो ना। किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को थायराइड, किसी को शुगर, शुगर तो आम हो गया, जिसको देखो उसी को शुगर। तो इस छोटी सी जिंदगी में काहे हम लोग हापादापी करें, पूरा पृथ्वी काहे खोपड़ी फैला दें। एकदम शांत भाव से जो हो रहा होने दो, सब अच्छा ही होगा, अपने में खुश रहा जाए। आज हमारे भोले बाबा ने कहा हम कुछ नहीं ले जाएंगे, हम सिर्फ आपकी बिटिया को ले जाएंगे, इसे भेजिए। बड़ी सुंदर शिक्षा मैना रानी अपनी बिटिया को भी देती है, ऐसे ही देना चाहिए। देखो हर व्यक्ति चाहता है हमको बहू अच्छी मिले, हर व्यक्ति चाहता है। सासू माँ घर की होती है तो इसीलिए वो खुश होती है कि हमको बहू अच्छी मिले, हमारी सेवा करे। लेकिन थोड़ी देर के लिए विचार करो कि सासू माँ को भी कौशल्या मैया बनना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। घर में जब जानकी मैया विवाह करके गई तो राजा दशरथ जी ने कहा ये हम अपनी बहू नहीं लेके आए हैं, अपनी बेटी लेके आए हैं, पराए घर से लेके आए, अब अपने घर में आई है। राखे हो नयन पलक की नाई, कोई कुछ कहेगा नहीं, एकदम प्रेम से रहना। कौशल्या मैया जब मुख देखने लगी तो कौशल्या मैया ने कहा इस जगदम्बा को हम क्या दें, तो उन्होंने प्रेम से गले लगा लिया। अच्छा किसी को प्रेम ना दे पाओ सब दो, है तो क्या प्रिय है। बाबा गोस्वामी दास जी बड़ी सुंदर चौपाई में लिखते हैं कि राम केवल प्रेम प्यारा, बाय।
कितना क्रोधी इंसान हो, कितना कैसा इंसान हो, एक बार उसके सामने मुस्कुरा के बात करके देखिए, उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। वो आपसे कुछ कहना भी चाहेगा ना तो मुस्कुरा के वो बतिए भूल जाएगा। प्रेम करके तो देखिए। अब बहुएं जब जाती अपने सासू माँ पे बड़ा क्रोध करती, देखो सासुओं का स्वभाव है वो क्रोध करेंगी, क्यों? क्योंकि वो चाहती हमारी बहू का कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं एक कटोरी ना खो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हमारी बहू दिन दुनी रात चौगुनी करे मेरा बेटा बहू, इसीलिए वो क्रोध करती है। तो इसीलिए उनके क्रोध को ज्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए। कोई पड़ोसी को कहने तो नहीं जाता है, पर अपने को कहने लगते हैं कि मेरी बहू बढ़िया सा बने, कमाए खाए, तो इसीलिए वो भी कहती है। सासुओं को भी चाहिए कि अपनी बेटी मानना चाहिए, बहू नहीं, क्योंकि एक बड़ा विचित्र हमने दृश्य देखा है लोगों के बीच में कि जब दामाद बिटिया को मानता है तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। दामाद हमारी बिटिया की तो आरती उतारता है, और जैसे ही बेटा बहू को मानने लगा वैसे ही सासू माँ कहने लगती है मेरा बेटा तो जब से बहू आई गुलाम हो गया। तब तो और ज्यादा खुश हो जाओ, जब दामाद मानता है बिटिया को उतना आप खुश होते, उससे चार गुना ज्यादा हो जाओ जब बेटा आपकी बहू को माने, क्योंकि जब दोनों में प्रेम भाव बना रहेगा रोटी तभी टाइम से बनेगी, वरना एक टेंशन में दरवाजा बंद किए बाहर पड़ी है, भैया चौराहे पे टेंशन से चक्कर लगा रहे हैं, तो रोटी बनने बनने वाली नहीं है, अपने हाथ से ही ठोकनी पड़ेगी। तो इसलिए खूब प्रसन्न हो जाओ कि आज हमारे बहू और बेटे में बहुत बढ़िया बन रहा है। जय 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 जय। आज हमारी मैना रानी बड़ी सुंदर शिक्षा देती है, कहती है कि नैन पुत्रिया सोने चिरैया, हे पार्वती तुम मेरी नैनों की पुतली हो, सोने की चिड़िया हो। कि नैन पुत्रिया सोने चिरैया, ओ दूध की लाज बचैयो, अरे प्रेम मगन ब्याह दई लली तुम मर्यादा में रहियो, प्रेम मगन ब्याह दई लली तुम मर्यादा में रहियो, प्रेम मगन ब्याह दई लली तुम मर्यादा में रहियो। जबरन किसी से आप
प्रेम भाव हृदय से होता है, जब हृदय हृदय से मिलता है, जब प्रेम प्रेम एक जगह इकट्ठा होके मिलता है तभी बात बढ़िया बनती है। आज थोड़ा सा यदि बढ़िया सा प्रेम न बना होता ठाकुर जी की कथा के माध्यम से, क्योंकि ठाकुर जी हैं ही बड़े प्रेमी, तो अगर प्रेम का भाव ना बना होता तो आपके यहाँ हम इस तुलसीपुर में बैठे होते हैं। सबसे पहले हम कथा सुनने आए थे, कहने आए थे बरियारपुर में, और बरियारपुर में बड़े ही महान भाव भक्त मिले, जैसे कि हमारे मुकेश त्रिपाठी भैया बैठे हैं जो हमको यहाँ लाने वाले हैं, वरना ना हमको कोई जानता था ना आपको हम जानते थे, लेकिन आज हम सबके चेहरे पहचान रहे हैं, सब लोगों को आनंद आ रहा है। तो बीच के हनुमान जी का जो भाव है वो प्रकट करने वाले हमारे मुकेश भैया हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये सुंदर रचना बनी, और हमारे यजमान जी भी बड़ा आनंद से विश्वास से भाव से कहा कि भाई कथा कराई जाए, तो बढ़िया कथा की रचना हुई। तो इसीलिए हम सभी भक्त भाव से इकट्ठा हुए, तो कोई ना कोई बढ़िया माध्यम बनता है और कथा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान नहीं आते हैं, भगवान अपने भगत को भेजते हैं, क्योंकि जब सीता मैया को पता लगाना हुआ तो भगवान नहीं गए, हनुमान जी को भेजा, जब लाना हुआ सीता मैया को तो भी भगवान नहीं गए, विभीषण भैया को भेजा, तो अपने भक्त का ही माध्यम बनाते हैं प्रभु। और आज हमारी मैना रानी माता पार्वती को सुंदर शिक्षा दे करके डोली में बैठा देती हैं। भोले बाबा कुछ भी नहीं लेकर गए, हम आप होते तो उनके घर का जो दिया था वो तो लाद ही लेते, उनके घर का टूटा फूटा और लाद लेते हैं। हम लोग होते जब दहेज ले भरने लगते हैं तो सोचते हैं गद्दा रजाई जो पाए सब रख ही ले, चाहे किराए का क्यों ना हो, लेकिन हमारे भोले बाबा ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस हमारी देवी जी चाहिए। आज मैया रोते 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 विदाई करती हैं कि सजी धजी के मैया जी ससुराल चली, सजी धजी के मैया जी ससुराल चली, सजी धजी के मैया जी ससुराल चली। वो सारी नगरी के नैनों से नीर बहे, 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 सजी धजी के I'm not afraid to die।
गुरु भगवान जय पार्वती मैया जय। और हमारे मुकेश त्रिपाठी भैया जो इस कथा के संयोजक हैं, तो वो आकर व्यासपीठ से दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए हमारे भैया जी के लिए तालियां भाई, आप सभी लोग जोरदार तालियां करेंगे। बड़ी व्यस्तता है भैया जी को, तो हम जबरन बुलाते हैं, क्या करें, हम तो वहां कथा कह रहे थे तो समय निकाल के बेचारे बहुत ही ज्यादा प्रयास करते थे। तो भैया जी का यही काम है कि काम करते रहो राम, रटते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा और लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो पूरे जीवन का नक्शा जोरदार तालियां करेंगे। व्यासपीठ से ढेर सारा आशीर्वाद भैया के लिए, भगवान सदैव धन धान्य का भंडार भरते रहे, भगवान जोड़ी बनाए रखे, सदैव ठाकुर जी की कृपा पुकार पर बनी रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाकी लाल की जय। और हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, थोड़े दिन व्यतीत हुए, छोटे से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और वो तारक नाम का असुर मारा गया।